ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं, महाशिवरात्रि कब है और पूजा विधि क्या है। चार पहर का पूजा का समय क्या है। शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित होता है और शिवरात्रि के दिन भगवान लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे ब्रह्मा और भगवान नारायण के मध्य में। महाशिवरात्रि के दिन जो भी भगवान शिव की पूजा करता है उस पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का दिन महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को है। मान्यता इस दिन पूजा आराधना से माता पार्वती भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। 1 मार्च को शिवरात्रि सुबह 3:16 से शुरू होगा। बुधवार 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगा। रात्रि की पूजा शाम को 6:22 से शुरू होकर रात 12 बजे से लेकर 33 मिनट तक है। शिवरात्रि में जो रात का समय होता है उसमें 4 पहर की पूजा होती है। पहले पहर की पूजा 1 मार्च 2022 को शाम 6:21 से लेकर रात्रि 9:28 तक है। दूसरे पहर की पूजा 1 मार्च रात्रि 9:27 से 12:33 तक। तीसरे पहर की जो पूजा है वो 12:33 से सुबह 3:39 तक। और चौथे पहर की पूजा 3:39 से 6:45 तक। व्रत का पारण शुभ समय है बुधवार को 6:46 तक रहेगा। शिवरात्रि को भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं और केसर इत्यादि जो भी हो वो डाल करके जल चढ़ाएं। पूरी रात्रि का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग, धतूरा, तुलसी, जायफल, कमलगट्टा, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र, दक्षिणा जो भी संभव हो वो सब भगवान को समर्पित करें और भोग लगाएं। पूजा में सभी उपचार सभी चीज़ों को चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय रुद्राय, संभवाय भवानी पतये नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर ये मंत्र नहीं जप कर पा रहे हैं तो नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें। आइए श्रवण कर लेते हैं शिवरात्रि की कथा। शिवरात्रि की कथा सुनने से शिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भी हो संभव दान पुण्य धर्म भगवान शिव के नाम का सुमिरन चिंतन कीर्तन जरूर करें। कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती माँ ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी सहज ही कृपा प्राप्त कर लेते हैं। शिव जी ने कहा, पार्वती का व्रत है। विधान बताकर कथा बताई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था और लेकिन ऋण वो समय पर चुका ना पाया। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या को भली भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ा। बेल के नीचे वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका था। शिकारी को पता नहीं था, पड़ाव बनाते समय उससे जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर पत्ते गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी हिरण तालाब पर पानी पीने पहुँची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र आऊँगी।
तब तुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली की और मृगी झाड़ियों में चली गई। कुछ ही देर बाद एक मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर धनुष चढ़ाया। तब उसे देख करके विनम्रतापूर्वक उसने निवेदन किया कि हे बधिक, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर हूँ, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ, अपने पति से मिलकर शीघ्र आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार खोकर उसका माथा ठनक गया, चिंता में पड़ गया। आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि मैं अपने बच्चों को पिता के हवाले कर आऊँ, फिर मैं मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूँ? ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं लौट आऊँगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख कर मृग विनीत स्वर में बोला कि भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनका वियोग सहन ना करना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीन पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु के अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे मुझे भी जाने दो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसे भले पता नहीं था, लेकिन जो बेलपत्र अनजाने में ही गिरे थे, उससे उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव तो आशुतोष से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हृदय करुणा दया से भर गया, पश्चाताप करने लगा। थोड़ी ही देर में मृग परिवार सहित शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। आंखों से आंसू गिरने लगे। उस मृग परिवार को न मार कर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और महाशिवरात्रि के दिन वह शिकारी मृग परिवार सहित भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो भी इस कथा को सुनता है, भगवान शिव शंकर उसके परिवार पर, उसके जीवन पर नित्य कृपा बनाए रखते हैं। शिवरात्रि भगवान शिव का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये दिन भगवान शंकर के प्रकट होने का दिन माना गया है। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से लड़ाई कर रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, बोले मैं बड़ा हूँ, तो फिर उनके ही बीच में भगवान शिव शंकर लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और फिर उनकी आराधना और वंदना की। तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहता है, तो उसे अवश्य ही शिव की उपासना शिवरात्रि के दिन भक्ति भाव से करना चाहिए। चार समय पूजा ना कर पाए तो कम से कम एक समय पूजा अवश्य ही करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, जल, गंगा जल, बिल्वपत्र, समी पत्र, अक्षत, गेहूँ, काली मिर्च, सरसों इत्यादि भगवान शिव को प्रिय हैं। नाना प्रकार के फल, फूल, मेवा, मिष्ठान और आरती, वंदना, प्रणाम, परिक्रमा करना चाहिए। इस तरह भगवान शिव का नाम लेना चाहिए, भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। आप सभी पर महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे और भगवान शिव आप सभी के परिवार में, आपके जीवन में खुशियां दें, सभी कामनाओं की पूर्ति करें। बोलिए हर हर महादेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम,
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।